अरे वो सबके खिलाफ है, मेरे ऊपर मेरे भी चुरेगा तेरे को बहुत डोगरे मेरे को सॉल्व जी के सपोर्ट सब करते हैं सपोर्ट कब लगी वही करता है पसंद है पापा सॉल्व जी क्यों नहीं रुकते भाई यहां हैं के भाई साहब तेरे को चाहिए वाटर जब बन गया तो एक आदत रुक गए 5000 के खिलाफ ये तो स्पेशल तौर पे बचे हुए थे अधिकार ही नहीं है जूम कितना हुआ 1840 लेंस ही आता 20,000 का 30 का 40 का नहीं हुआ ना अमन मां तो अभी तो घटा स्टाफ यार 3 आदमी लगते नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल अरे आप तो आ जाओ यार वो तो दो है हम जानते नहीं हां वो तो दो है आप आ जाओ हां थोड़ा आप स्वागत समारोह में ठाकुर साहब के लिए हमारे रवि जी 2018 में आए थे, करीब 5.5 साल हो गए और वर्किंग में और इसके सब अच्छा व्यवहार रहा है। हम कहते हैं जैसे यहाँ तीनों दिन बिताए हैं तो अपने घर पर जाकर देखिए सभी को बैठने के लिए धन्यवाद मुक्की मिलेगी रवि जी के लिए देसी विदेशी सबको मैं यहाँ 4 अक्टूबर 2021 को आया था और आने के बाद में सुपरवाइजर जब भी कहीं नई जगह पर जाता है तो एक स्वाभाविक सी बात है अपने लाइसेंस बनाने के लिए वो जितने सुपरवाइजर हमसे मिलता है ऐसा साहब से मिला अशोक जी थे उस टाइम पे उनसे मिला पिडलाई साहब से मिला सतपाल जी से रियोम जी से मुलाकात हुई करते करते फिर मैं एक दिन इधर आ गया इधर आया तो मुझे यहाँ जय साहब से पवन जी वो मिले और उनसे साथ चाय वगैरह पी मैंने फिर यहीं से पूछा उनसे कि एसएससी साहब कहाँ है तो बोले कि साहब वो तो छुट्टी में है तो मैं बोला मैं कॉल कर लेता हूँ रहने का बहुत अच्छा कोई ठिकाना था नहीं इस बैरिक में रह रहा था मन नहीं लग रहा था इसमें रहने का तो उधर कॉलोनी में भी नहीं मालूम था तो जिसका क्वार्टर कहाँ पर कौन किया है कुछ जानते नहीं थे दो तीन दिन तो हुई थी तो मैंने उनको कॉल किया कॉल करने बाद बोले सर मैं छुट्टी में हूँ आऊँगा तब मिलूँगा आऊँगा ठीक है तो आप इनकी आवाज़ जो है वो ऐसे बात करेंगे तो बड़ी अच्छी लगेगी लेकिन अगर फ़ोन पर बात करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कितना पुराना मैच्योर्ड आदमी बोल रहा है आप कभी भी सुना होगा आपने किया नहीं किया पता नहीं मैंने किया है ऐसा लगता है बहुत इतनी भारी आवाज़ पुराने आदमी है लेकिन फिर मैंने क्या देखा कि कुछ दिन पीछे इनके ससुर साहब हैं जो बच्चे को लेकर घूम रहे थे तो मैं नमस्ते हुई तो तब भी मुझे नहीं मालूम था कि
ये कैसे है। ये कम मुलाकात हुई जब एक दिन ये स्टेशन जा रहे थे बाइक पर चढ़ करके, वो मैंने भाई रुको बोले हम ऐसे ऐसे टीआरडी हो, तो वो लगा रहा था मास्क, उन्होंने मास्क उतारा तो उन्होंने बच्चा वो चीज मैं उस चला गया, मैंने यार आवाज तो इतनी भारी थी अंतर पड़ जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं, 4 इंची का अंतर है, आप लगा लो 4 इंची में कन्फ्यूज हो जाता है आदमी। यहाँ आने के बाद में फिर मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा, और सही मायने में तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा छोटा भाई यहाँ से जा रहा है, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है हर तरीके से क्षेत्र में। यही पवन जी की, पवन जी थे ना जो इनकी विदाई हुई, उसमें इन्होंने एक शब्द बोला था कि भैया मेरे को सच्ची खुशी तब हुई कि तुम आगे आगे जाओ, पीछे पीछे मैं भी लखनऊ आ जाऊँ। तो हमने मन से ये सोचा था कि हे भगवान कैसे भी हो किसी भी आदमी को अपने परिवार के नज़दीक पहुँचा के अपने घर के बीच में नौकरी करने का जो सुख मिलता है वो इनको अवश्य। और आप ताज्जुब करोगे, इनका इंटर जोन ट्रांसफर है जो मात्र 24 घंटे में हुआ, या आप लोगों किसी ने बताया वो नहीं बताया पता नहीं, सिर्फ 24 घंटे में इनका ट्रांसफर हुआ। लोग 6-6 महीने साल साल लग जाते हैं, इनका मात्र 24 घंटे में हुआ है। ये लखनऊ गए हैं, सडनली पहुँच गए सीनेडी साहब पास में, उनसे बात करी, उन्होंने NOC वगैरह दी थी, यहाँ पे इसलिए ट्रांसफर हो गए। बात हुई इनसे तो बड़ा सबसे ट्रांसफर हो गया, बड़ी खुशी हुई हम, बड़ा सौम्य स्वभाव है। और मैंने टीआरडी साहब का दिन में रहा हूँ पहले से, तो मैंने और भी इधर देखे, और वो यहाँ पे मैं एक दिन इनसे पूछ ही लिया ना सब आप कैसे मैनेज करते हो सब इनको, तो बोला साहब सब ईश्वर करता है और सबको अपना मान के चलो तो सब अपने हैं, जब हम किसी से भेदभाव करेंगे तो वो आदमी निश्चित तौर पर हमसे दूरी बनाएगा और उसके दिमाग में 50 तरह के दूर पैदा होंगे। तो डायरेक्ट SSC में इंचार्ज को इंचार्ज आ करके इतने बढ़िया तरीके से काम निकालना, लेकिन चीज से सीखने की ये है आप लोगों को विशेष रूप से, जिससे मेरे लड़के भरोसा कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने की रणनीति लेनी चाहिए। हो सकता है कि सामने वाली को परिस्थिति हो, कुछ समझा उसको भी सुन लो उससे 2 मिनट, उसके बाद सोच समझ के निर्णय लो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इनके अंदर। मैं आशा करता हूँ कि जैसा इन्होंने यहाँ पर व्यवहार रखा आज, ये कहने की जरूरत नहीं है तो देखने की चीज़ है ना, आपस में देख लेना सब लोग मिलने जो है, ये वहाँ से अशोक जी आए, केसोली से आए, TI साहब अपना इतना इम्पोर्टेंट काम छूट छाड़ करके आए, IDW साहब आए, हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, तो ये निश्चित तौर पर अच्छे व्यवहार का नतीजा है। और आप लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही है वो भी है ना, ऐसा लग रहा है अपने किसी की विदाई कर रहे हैं, बिल्कुल विदा कर रहे हैं। तो ये यही चीज़ अब तो सीखने की, और मैं उनसे ईश्वर से कामना करता हूँ जैसा व्यवहार इन्होंने यहाँ पर बना के रखा, जैसे स्टाफ को यहाँ पर बना के रखा, अपनी रखा, सब संरक्षित रखा, सुरक्षित रखा, अगली जो भी जगह हो वहाँ पर जा करके भी ऐसा ही व्यवहार बनाए, अपने परिवार के साथ खुश रहें और हम लोगों को याद करते रहें, अपना मोबाइल नंबर किसी भी तरीके से हमारे पास भेज दें जिससे कि हम उनसे बात करते रहें। ठीक है, साहब मैं अपना स्थान लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिलसिला चलता रहेगा और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यातायात महोदय जी, रवि सिंह जी लगभग 5.5 साल यहाँ अपना SSC TRD पे पढ़ के पोस्टेड हुए थे, आप आए और उस वक्त मुझे, मेरे जब इनसे पहली मुलाकात हुई तो मेरे ने ये सोचा ये का पालक और SSC TRD इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा डिपो, इतना स्टाफ कैसे मैनेज करेगा। लेकिन उन्होंने अपना काम पूरे डेडिकेशन ईमानदारी लगन से किया और इनके टाइम के सेक्शन में, हमारे सेक्शन में शायद ही वो ही फॉल्ट भी नहीं हुए इतनी जो इनके कार्य के प्रति समर्थन को दिख सकते हैं। आज थोड़ा दुख है कि हमारे एक साथी हमसे रिलीव होकर जा रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि अपने होम टाउन, अपने घर, अपने डिवीजन जा रहे हैं, वहाँ ये अपने पारिवारिक दायित्वों की
ढंग से निर्वहन कर सकेंगे। आशा करते हैं कि जहाँ भी जाएं वहाँ हर हाल में खुश रहें, खुशहाल रहें और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबके साथ नमस्कार। आदरणीय सुपरवाइजर सभी हमारे साहब शर्मा जी, हनुमान जी सिग्नल से, हमारे देवेंद्र जी और सभी बाबू जी, रवि जी से मेरी मुलाकात हुई जब मैं यहाँ आया था काम, कोई काम के सिलसिले में अपने स्टेशन पे, तो लगा कि ये कि अपने बैच का आदमी यहाँ पे है पूरे यूनिट में अपने छबड़ा में, और तो बाकी हमारे सब सीनियर हैं पुराने बैच के आदमी, तो एक मित्रवत मुलाकात हुई बढ़िया। फिर पता चला कि ये भी अपने घर जाना चाह रहे हैं। अच्छा, उसी समय बात हुई कि यार मैंने ट्रांसफर की फाइल लगा रखी है, पवन जी भी थे पुराने जैसे, वो उनसे भी बात हुई। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा दुख तो मैं ही समझ सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा कौन समझ सकता, मैं भी दो जोनल ट्रांसफर लेके यहाँ आया, वन रिक्वेस्ट लगा के सब बात चल रही थी कि फाइल वाइल की उन्होंने यहाँ से ट्रांसफर का लगाया। भाई रवि जी का व्यवहार बहुत बढ़िया रहा, बस यही है कि जैसे ही कुछ मामला गड़बड़ हो जाए तो उनका व्यवहार वो खतरनाक तब्दील हो जाता है। एक बार वहाँ हो गया, पुलिया बन रही थी 131 वो एच में वो लड़ गई ऊपर, डीएन साहब को हटा दिया उन्होंने, हटाओ बैंक नहीं करना मुझे कुछ भी, लगाओ सीढ़ी, जबरदस्ती सीढ़ी लगा दी, उसमें कोई काम नहीं होगा, पोगलन पोगलन तो भगा दी नीचे। तो लगना है बिजली का काम भाई, तो ओ एच वाला ही व्यवहार है वो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 25,000 वाला सेफ्टी से रहो तो सेफ्टी से सुनो, सेफ्टी से नहीं तो मैं तो वही झटका तो 25,000 वाले लगाते। चलो ठीक है, डीएन साहब हमारे फोन लगा रहे थे और सीनियर DW में, कुछ नहीं होगा लगाए तो जो करेंगे वही यही करेंगे, क्या बात है। चलो हमारे तो बहुत बढ़िया वो रही और आ गए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, घर पहुँचो। ट्रेन से आए साहब, मेरे साथ बाजा वाजा तो लाओ यार, दरबार बैंड वाले से लाओ। चलिए अपने साथ ही बोल रहा हूँ। आज तो सब दिन ही मिलना है, सभी साथी हेल्पर असिस्टेंट आर्टिजन स्टाफ और साथी और रामकरण जी स्टेशन मास्टर, बाबू जी, देवेंद्र जी सिग्नल, हनुमान जी साथी, नए डिपो इंचार्ज शुभम जी, इसी में सबसे पर्चा भी हो गया, हमारे वरिष्ठ साथी रोहन जी जमींदार लैंडलॉर्ड, हमारे मित्र पवन जी मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ पे डिपो इंचार्ज नहीं हुई थी, मैं भरतपुर में ट्रेनिंग कर रहा था, तो लोगों ने बताया कि छपड़ा में बहुत काला पानी सजा है और ये है, डर तो मैं भी गया, शुरुआत में सभी डर ही जाते हैं, ठीक है अब जो होगा देखा जाए, नौकरी वही है। मैंने सुना भाई SSC में सिलेक्शन हुआ है, ऑफिस वाली नौकरी होगी, AC चैम्बर हो गए डिपो में गया लोहा लंगर देखा मैंने डिपो में कि सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्या है कि डिपो में यूनिटी होनी चाहिए, और डिपो को चलाना है तो टीम वर्क है, यहाँ पे ग्रुपिंग वुपिंग थी पहले हमारे पहले, तो मैंने तो पहले यही पॉलिसी अपनाई कि सब पहले एक हो जाए, किसी की तरफ बायस नहीं रहना है अपने आप को, पूरा प्रयास ये रहा। दूसरा प्रयास ये रहा कि कोई भी आदमी अपने को कमज़ोर न समझे डिपो में, जैसा बनवाई ने कहा कि बुकिंग वगैरह मैं वैसे ही किया मैंने, और स्टाफ को कभी ये रिलाई नहीं होना दिया कि कोई घटना होगी तो ये बात तुम्हारे ऊपर आएगी, ये मेरा हमेशा आज दिन तक ये प्रयास रहा है, इसी की बदौलत इतना प्यारे लोगों से मिला मुझे,
और आप लोग यहाँ आए सम्मिलित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि जैसे मैंने डिपो चलाया आप लोगों को प्यार दिया, डांट वाले काम चला लिया, कोई कागजी कार्रवाई नहीं की, उसी हिसाब से शुभम जी भी मुझसे बेहतर आप लोगों को जो है टैकल करेंगे, आप लोगों साथ रहेंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बढ़िया, मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले आएंगे, आते रहेंगे सब लोग। अब सीढ़ियों पर चलेंगे, रिपोर्ट हो जाएगा, है ना। दूसरी चाय वाले भी आगे उतरते हैं, अरे तुम बांधो यार, वो इन्होंने बांधी थी, कौन सिंह और अमर सिंह, अरे अमर सिंह ने बांधी, जीतो उधर पकड़ी कुन्नो बांधी थी, जीतू का वो अमर सिंह का है, दिनेश ने बांधी, दिनेश छो है लहरिया वाली मुझे अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं ये लेके आया हूं। बेटी दो इसे तो दूसरी बार ये फोटो रूप में डाल देना, अरे ऐसे ऐसे सभी जो से आए हुए एस एस सी जी साहब को नमस्ते। सभी साहब आए 6-7 साल हुए यहाँ पर और 10-12 साल हमको हुए सर्विस करते, ऐसा साहब हमने आज तक नहीं देखा, इतना अच्छा व्यवहार, और हमें तो ऐसा आज नहीं हुआ कि हम घर पे है। हम तो यही कहते हैं कि ऐसा व्यवहार बना रहे और हमें सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।